A very good morning class. So today we are going to start with a new chapter of your SST book. Chapter number 4, the name of the chapter is The Western Desert. Western means होता है पश्चिमी, desert means रेगिस्तान या मरुस्थल भी बोलते हैं इनको, ठीक है। आज हम पश्चिमी रेगिस्तान के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जो हमारे लास्ट वीडियो है उसमें हमने नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ा था, तो आज पहले प्लेन्स के बारे में पढ़ा है हमने, तो आज रेगिस्तान के बारे में पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। लुक एट दीज पिक्चर्स अबव, ऊपर जितनी भी पिक्चर्स दी गई हैं उनके बारे में देखने को बोला गया है। डू यू नो विच पार्ट ऑफ इंडिया दे आर फ्रॉम, क्या आप जानते हैं कि वो भारत के किस पार्ट से हैं, किस हिस्से से हैं। दे आर लोकेटेड इन द थार डेजर्ट एरिया इन इंडिया, ये जितनी भी जो पिक्चर हैं ये भारत का जो थार मरुस्थल या थार रेगिस्तान है वहाँ से ये सारी पिक्चर हैं, ठीक। अब आगे पढ़ते हैं हम अपना लेसन। द इंडियन थार डेजर्ट, भारत का जो थार डेजर्ट है, थार मरुस्थल है, उसके बारे में पढ़ते हैं, रेगिस्तान के बारे में। टू द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स लाइज द वेस्टर्न डेजर्ट। टू द साउथ वेस्टर्न यानी दक्षिणी पश्चिमी, साउथ वेस्टर्न होता है किसका पार्ट है, नॉर्दर्न प्लेन्स के दक्षिणी पश्चिमी पार्ट जो है उसमें हमारा वेस्टर्न डेजर्ट है, ठीक है। इट इज़ इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, ये राजस्थान के भी वेस्टर्न पार्ट में है, पश्चिमी हिस्से में है। देर इज़ वेरी लिटिल रेन एंड हार्डली एनी वेगटेशन देयर, वेगटेशन होता है वनस्पति, रेन मीन्स बरसात, ठीक है। वहाँ पर बहुत कम वर्षा या बरसात होती है और बहुत ही कोई ही वहाँ पर वेगिटेशन वनस्पति दिखाई देती हैं। जैसे हमारे यहाँ तो कहीं पर भी कुछ भी घास वगैरह उगा होता है तो उसी को हम मतलब किसी भी टाइप की वनस्पति वेगिटेशन बोलते हैं उसको। द वेस्टर्न डेजर्ट इज ऑल्सो कॉल्ड द थार डेजर्ट, वेस्टर्न डेजर्ट को हम थार डेजर्ट भी बोलते हैं। द थार डेजर्ट एक्सटेंड टू एन एरिया ओ 500 किलोमीटर्स फ्रॉम द अरावलीज, वेस्टर्न जो थोड़ी थार डेजर्ट जो है वो कहाँ तक फैला हुआ है, अरावलीज से लेकर ईस्ट में, अरावलीज से लेकर पाकिस्तान तक 500 किलोमीटर के एरिया में वो फैला हुआ है। इन द साउथ वेस्ट इट स्ट्रेचेज फ्रॉम द कच्छ टू द बॉर्डर ऑफ हरियाणा, साउथ वेस्ट में ये कच्छ से लेकर हरियाणा के बॉर्डर तक वो फैला हुआ है बिल्कुल। क्लाइमेट देख लेते हैं, जलवायु जो हमारा थार डेजर्ट है वहाँ की कैसी है। द थार डेजर्ट हैज़ अ वेरी हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, थार डेजर्ट का जो जलवायु है वो बहुत ज़्यादा हॉट, गर्म और ड्राई मीन्स सूखी है, मतलब नमी नहीं है क्योंकि पानी वहाँ पर बहुत कम होता है, डेजर्ट है क्योंकि वो रेगिस्तान है। डेज रिकॉर्ड वेरी हाई टेम्परेचर एंड नाइट बिकम एक्सट्रीमली कोल्ड, जो डेज होते हैं, दिन जो होते हैं वो इतने ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, और रात जो होती है वहाँ पर बहुत ठंडी होती है। दिस इज़ बिकॉज सैंड एब्जॉर्ब द लूजेज हीट क्विकली, क्योंकि जो सैंड जो रेत होती है ना वो ढीली होती है वहाँ पे और हीट को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती है, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है हीट को। समर आर एक्सट्रीमली हॉट एंड विंटर्स आर बाइटिंग कोल्ड, समर्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं और जो विंटर्स यानी जो सर्दियाँ होती हैं वो बाइटिंग कोल्ड मीन्स काटने वाली वहाँ पे सर्दी होती है, बहुत ठंडी। ड्यूरिंग समर गर्मियों में हॉट विंड्स कोल्ड लू ब्लो फ्रॉम द डेजर्ट रीजन्स टुवार्ड द स्टेट्स उत्तर प्रदेश एंड दिल्ली, गर्मियों के जो दिन होते हैं समर्स में गर्म जो हवाएं हॉट विंड्स जो चलती है जिनको हम लू बोलते हैं वो उन डेजर्ट से चलती हैं टुवर्ड्स मन किन की तरफ, कौन कौन से राज्यों की तरफ चलती है, उत्तर प्रदेश जो कि हमारा राज्य है, ये गर्म हवाएं हमें वहीं से आती हैं, जो गर्मियों में हम बोलते हैं ना कि लू चल रही है, गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, तो ये सारी गर्म हवाएं वहीं से आती हैं। एंड दिल्ली इंक्रीजिंग देयर समर टेम्परेचर, और दिल्ली में आती हैं जिससे उनका जो गर्मियों का टेम्परेचर है, तापमान है, वो बढ़ जाता है। रेनफॉल इज वेरी स्केंटी, स्केंटी होता है बहुत कम होना, रेनफॉल जो होती है बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। एंड इज लेस देन 25 सेंटीमीटर पर एनम, पूरे साल में 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। दिस इज बिकॉज द अरावलीज हिल्स डू नॉट अलाउ द मॉइस्चर लैडन विंड्स टू एंटर द डेजर्ट, ये इसलिए होता है कि जो अरावली की पहाड़ियाँ होती है ना वो वहाँ से जो नमी वाली जो हवाएं होती हैं वो डेजर्ट के तक एंटर ही नहीं करने देती, उनको वहीं पर ही रोक लेती हैं। आगे पढ़ते हैं हम
फिजिकल फीचर्स ऑफ द डेजर्ट रीजन, फिजिकल फीचर पढ़ते हैं जो इनकी भौतिक विशेषताएं हैं ना, कि ये होता है कैसे, ऊंचा नीचा कैसे भी है, जैसे मतलब होता है डेजर्ट, उसके बारे में बताएंगे। अ डेजर्ट इज कवर्ड विद अ थिक शीट ऑफ लूज सैंड, लूज सैंड होती है ढीली रेत, ठीक है, रेतीली मतलब कि बहुत सरकने वाली। अ डेजर्ट इज, जो डेजर्ट होता है वो एक बहुत पतली शीट से कवर होता है, किसकी, लूज सैंड की, ढीली मिट्टी से, रेत से। स्ट्रॉन्ग विंड कॉल्ड द सैंड स्टॉर्म समटाइम्स ब्लो ओवर द वास्ट स्ट्रेच ऑफ सैंड एंड शिफ्ट इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा जो मजबूत हवाएं होती है ना, कड़ी हवाएं जो होती हैं, जिन्हें हम सैंड स्टॉर्म भी बोलते हैं, समटाइम्स कई बार ब्लो ओवर द वास्ट स्ट्रेच, बहुत ज़्यादा फैली हुई, मतलब ये बहुत तेज़ हवा चलती है, क्या करती हैं, वास्ट स्ट्रेच ऑफ सैंड, मिट्टी को अपने साथ ही ले जाती है, एंड शिफ्ट टू वन प्लेस टू अनदर, और एक जगह से दूसरी जगह पर वो मिट्टी को बिछा देती हैं वो हवाएं। फॉर्मिंग स्मॉल सैंड हिल्स कॉल्ड सैंड ड्यून्स, तो मिट्टी से ना पहाड़ियाँ टाइप छोटी छोटी सी बन जाती हैं, वो रेत की ही होती हैं, मतलब इधर से हवा चली तो उधर बन गई, उधर से हवा चली तो वो इधर बन गई पहाड़ियाँ, वो रेत की, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सैंड ड्यून्स बोलते हैं। दीज स्टॉर्म्स आर सो स्ट्रोंग दैट वन कैन ईजिली गेट लॉस्ट इन दैम। ये जो स्टॉर्म होते हैं, तूफान जो आते हैं, ये इतने स्ट्रोंग होते हैं कि एक पर्सन बहुत आसानी से उसमें गुम हो सकता है, खो सकता है। रेनफॉल इज वेरी रेयर, बारिश तो वहाँ पे बहुत ही कम होती है। बट वेन इट रेन्स, लेकिन जब भी वहाँ पर बारिश होती है, इट इज़ अ हैवी डाउन पोर फॉर्मिंग लेक्स इन द डिप्रेशन। तो उससे क्या बनता है, जब बहुत अगर रेन होती है तो वो इतना हैवी रेनफॉल हो जाती है वहाँ पे कि वहाँ पर झील जैसा बन जाता है, झील सी दिखने लायक चीज़ें बन जाती हैं। वेन द टेम्परेचर राइजेज, जब टेम्परेचर जो है, जब तापमान जो है वो बढ़ता है, वाटर इवापोरेट्स लीविंग अ लेक ऑफ सॉल्ट बिहाइंड। पानी जो है वो उड़ जाता है और उसकी जगह क्या बन जाता है, लीविंग अ लेक ऑफ सोल्ट, नमक की एक जो झील है उसको अपने पीछे छोड़ के पानी जो है वो सारा उड़ जाता है। सांभर लेक इज वन सच सोल्ट लेक ऑफ द डेजर्ट रीजन। सांभर लेक ऐसी ही एक नमक की झील है इस डेजर्ट रीजन में, इस क्षेत्र में, रेगिस्तानी क्षेत्र में। देयर आर अ फ्यू टेम्परेरी स्ट्रीम्स एंड रिवर्स फॉर्म ड्यू टू रेनफॉल। बहुत ज़्यादा ज़्यादा वहाँ पर, क्योंकि रिवर तो कोई होती नहीं है, तो इसी से ही बहुत कम कोई धारा बन जाती है या कोई रिवर ही बनती है इसी रेनफॉल से ही। बट दे डिसअपियर इन द सैंड, लेकिन वो भी जो है वो रेत है उसमें गुम हो जाती हैं। द ओनली सीजनल रिवर दैट क्रॉसेज द सैंडी डेजर्ट इज लूनी। एक ही जो एक सीजनल रिवर है जो किसी मौसम में ही वहाँ पर भरती है, उस रिवर जो इस डेजर्ट को क्रॉस करती है, वो भी नमक वाली है, ठीक है, जिसका नाम है लूनी। विच जॉइंस द अरेबियन सी थ्रू द रैन ऑफ कच्छ इन द स्टेट ऑफ गुजरात। जो आगे अरेबियन सी को ज्वाइन करती है रैन ऑफ कच्छ से जाते हुए, जो कि गुजरात की एक स्टेट में, गुजरात स्टेट में ही है। वेल्स आर डग एट प्लेसेज वेयर अंडरग्राउंड वाटर इज फाउंड। वहाँ कहीं पर अंडरग्राउंड वाटर भी पाया जाता है, जिसको ऑइसिस भी बोलते हैं हम, ठीक है। तो वहाँ पर कुएं खोदे जाते हैं, किसी किसी जगह ही वो अंडरग्राउंड जो भूमिगत पानी होता है ना, जो ज़मीन में पानी होता है, तो वहीं पर वो लोग क्या करते हैं, कुएं खोद लेते हैं। दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम सैंड स्टॉर्म बाय मेकिंग हाई वॉल्स अराउंड देम। सैंड स्टॉर्म से उनको कैसे बचाया जाता है, बड़ी बड़ी उनके चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी करके ना, ताकि मिट्टी उनके अंदर ना जा पाए, तो उसको दीवारों से कवर किया जाता है। सच एरियाज इन डेजर्ट वेयर वाटर इज फाउंड एंड एग्रीकल्चर इज कैरीड आउट आर कॉल्ड ओएसिस। ऐसे एरिया डेजर्ट में जहाँ पानी पाया जाता है और जहाँ थोड़ी बहुत एग्रीकल्चर भी हो जाती है, खेती भी हो जाती है, उस जगह को हम क्या बोलते हैं, ओएसिस बोलते हैं। बेटे आज के वीडियो में हम इतना ही कंप्लीट कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो जो है, नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे लाइफ इन द डेजर्ट रीजन, दैट इज़ ऑन पेज नंबर 34। थैंक यू।